Hello friends, welcome to All About GST. Myself CM Manoj Gupta and you are watching All About GST. Last video में हमने अपना पहला chapter GST and introduction start किया था और पहले lecture में हमने discuss किया था कि tax क्या होता है और tax क्यों लगाया जाता है. हमने discuss किया था कि किसी भी country को run करने के लिए वहाँ की government को fund की requirement होती है और उस fund की requirements को meet out करने के लिए उस देश की सरकार वहाँ की government पब्लिक पर टैक्सेस लगाती है और उन टैक्सेस की कलेक्शन से ही फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया जाता है. इंडिया जैसे देश में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह पूरी कंट्री को एज ए होल मैनेज करे और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह पर्टिकुलर स्टेट को कंट्रोल करे और मैनेज करे. और दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है टैक्सेस लगाने की. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति पर टैक्सेस लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा वह टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जहाँ पर टैक्सेस किसी व्यक्ति पर ना लगाकर किसी गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और जो व्यक्ति यह गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करता है उस व्यक्ति के द्वारा यह टैक्सेस किसी दूसरे व्यक्ति को पे किए जाते हैं और उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट तक यह टैक्स पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप जो टैक्सेस की पेमेंट है वह सेलर को करते हैं और सेलर उन टैक्सेस की पेमेंट आगे गवर्नमेंट को करता है. शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, लेक्चर नंबर 2. फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कमोडिटीज पर लगाया जाता है, गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है. इसमें जो कंज्यूमर है, जो परचेज करने वाला व्यक्ति है, वह डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करता है. वह रिटेलर को या फिर होलसेलर को या फिर मैन्युफैक्चरर को टैक्सेस की पेमेंट करता है और उस व्यक्ति के द्वारा आगे टैक्सेस की पेमेंट गवर्नमेंट को की जाती है. तो जैसा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की विशेषता क्या है, उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस एक मेजर सोर्स ऑफ टैक्स है. अगर मैं टोटल टैक्स की कलेक्शन की बात करूँ, डायरेक्ट टैक्सेज एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेज दोनों को मिलाकर जितनी कलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट्स के द्वारा जो टोटल कलेक्शन की जाती है उसमें से 50% से भी ज्यादा की कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस से की जाती है. तो इस तरह आप एक अनुमान लगा सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस एक बहुत ही मेजर सोर्स है रिवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए. नंबर 2, कमोडिटी टैक्स. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर खास बात यह होती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी व्यक्ति विशेष पर ना लगाकर किसी वस्तु पर या फिर किसी सेवा पर लगाई जाती है. और अगर आप उन वस्तु को या फिर सेवाओं को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ही आपको इस टैक्स की पेमेंट करनी होती है. तो इसलिए इसको कमोडिटी टैक्स भी कहा जाता है. इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट देयर ऑफ. हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन. इट इज ऑल्सो लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन. इनडायरेक्ट टैक्सेज में जो टैक्स का बर्डन है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता चला जाता है. इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर किसी रिटेलर्स को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल करता है तो ऐसी सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उस रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करता है और उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देता है. उसके बाद रिटेलर जब यह गुड्स या सर्विसेज किसी कंज्यूमर को सेल करता है तो उस कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है और जो टैक्स वह ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को दे चुका है उसको कम करके बाकी का जो टैक्स है वह गवर्नमेंट को जमा करा देता है. और इसका अल्टीमेटली बर्डन देखा जाए तो कंज्यूमर पर, जो लास्ट में जो सब परचेज करता है उस पर पड़ता है. जैसा कि यहाँ पर होलसेलर ने भी अपनी जेब से कोई भी टैक्स नहीं दिया है, उसने भी रिटेलर से टैक्स की कलेक्शन की और आगे गवर्नमेंट को पे कर दी. रिटेलर ने भी जो कंज्यूमर है उससे टैक्स की कलेक्शन की और जो टैक्स वह ऑलरेडी होलसेलर को दे चुका है उसको कम करने के बाद, लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वह गवर्नमेंट को जमा करा दी. तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखा जाए
तो जो टैक्स का बर्डन है वह कंज्यूमर पर पड़ रहा है, लेकिन यह टैक्स का बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट होता जा रहा है। पहले टैक्स का बर्डन मैन्युफैक्चरर पर डाला गया, लेकिन जैसे ही उसने कलेक्शन रिटेलर से की, उसका टैक्स का बर्डन खत्म हो जाता है। इसी तरह जब रिटेलर ने टैक्स पे किया, तो वह जब कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसका भी टैक्स का बर्डन खत्म होकर कंज्यूमर पर आ जाता है। हालांकि इसका अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पर ही रहेगा, परचेज जो लास्ट में सबसे अंत में जो उस वस्तु को या उस सेवा को कंज्यूम करने के लिए उसको खरीदेगा, टैक्स का बर्डन उसी व्यक्ति पर रहेगा। लेकिन यहां पर पूरी प्रोसेस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता चला जाएगा, जब तक कि उसको अल्टीमेटली कंज्यूम ना कर लिया जाए। नंबर 4, रिग्रेसिव नेचर। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर हमेशा रिग्रेसिव नेचर होता है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु पर या किसी सेवा पर जब कोई टैक्स लगाया जाता है, जब कोई कर लगाया जाता है, तो यह इररिलेवेंट हो जाता है कि इसको अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला कोई रिच पर्सन है या फिर कोई पुअर पर्सन है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीदता है, उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसको कोई अमीर आदमी खरीदता है, तो उसको भी उस वस्तु पर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है, दोनों के लिए ही यहाँ पर सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कोई टॉफी भी खरीदता है, कोई कैंडी खरीदता है, वह भी इनडायरेक्टली कोई ना कोई टैक्स पे कर रहा है। यहाँ पर एक बच्चा भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, अगर कोई उसे बड़ा खरीदता है तो वह भी सेम रेट ऑफ टैक्स पे कर रहा है। दिस काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम ब्रिंग्स एवरीवन फ्रॉम पुअर टू रिच अंडर द सेम टैक्स ब्रैकेट। नंबर 5, डिफरेंट टैक्स रेट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डिफरेंट टैक्स रेट्स रखी जाती हैं। अगर कोई लग्जरी गुड्स है, तो उस पर हाई रेट ऑफ टैक्स होता है, और अगर कोई नेसेसिटीज से रिलेटेड कोई वस्तु है, उस पर लो रेट ऑफ टैक्स रखा जाता है। गवर्नमेंट लेवीज हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी गुड्स लाइक टोबैको, एल्कोहल, लग्जरी कार्स एटसेट्रा, एंड जीरो नील रेट ऑफ टैक्स ऑन इसेंशियल गुड्स लाइक बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। हम आगे जीएसटी में भी देखेंगे कि जीएसटी में भी बहुत डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स रखी गई हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। नंबर 6, नो डायरेक्ट पिंच। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मेनली गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, और जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर टैक्स एलिमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, और कई बार हमें उस चीज़ का पता भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोविजनल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पर शैम्पू खरीदते हैं, तो उसमें भी इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हैं, और उस व्यू में जो आप शैम्पू के लिए पे करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और वहां पर आपको पता नहीं होता है कि हम वहां पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्सेस की जो वैल्यू है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूड होने की वजह से डायरेक्टली पिंच नहीं होता है कंज्यूमर को। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर पेज द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। दस टैक्स पेयर डज नॉट परसीव ए डायरेक्ट पिंच व्हाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 7, इन्फ्लेशनरी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है, वह गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस की टैक्स रेट्स इंक्रीज होंगी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स भी इंक्रीज होगी, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेट्स कम होगी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स भी कम होगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे जीएसटी स्टडी करेंगे, तो आपको भी समझ में आता चला जाएगा। सभी फीचर्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी इन्वॉल्व हैं। मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है जीएसटी, कमोडिटी टैक्स है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इसमें भी वही सिस्टम है जीएसटी में भी, रिग्रेसिव नेचर जीएसटी सभी के लिए सेम है। अगर कोई गरीब आदमी भी कोई गुड्स खरीदता है, तो उसको उतना ही जीएसटी पे करना है जितना कि एक अमीर आदमी को करना है। डिफरेंट टैक्स रेट्स इसमें भी है, नो डायरेक्ट पिंच यह फीचर भी है, कुछ कमोडिटीज में जीएसटी इंक्लूड होता है जिनको खरीदते समय हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जीएसटी पे कर रहे हैं। इन्फ्लेशनरी है, अगर जीएसटी की रेट इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन तो गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर कम होगी तो गुड्स की वैल्यू कम होगी। आई होप फ्रेंड्स, आज हमने जो भी डिस्कस किया वह आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट जीएसटी को, और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक्स देते रहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें।